हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा था तो एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने कहा भाई आज थोड़ा सा यार बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सर्विस पे लेके जाना है। तो मैंने कहा चलो भाई मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं तेरे को मिलता हूँ। तो अभी चलते हैं फिर यहाँ से, मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ और चल के उससे मिलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया था कि बाइक क्या है ना स्टार्ट नहीं हो रही है, तो शायद हमारे को धक्का लगा के ले जाना पड़ेगा। तो बाकी आगे चल के पता लगेगा, मैं जाके उससे मिलता हूँ पहले, फिर पता लगता है कैसे करना है। अगर हमें कोई टोइंग वैन या रिक्शा वगैरह करना पड़ेगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो पैर से धक्का लगा के ले जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। वैसे वो करने में मजा बहुत आता है पर थोड़ा सा रिस्की होता है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ घर से, अभी चलते हैं नीचे और हमेशा की तरह हम जाएंगे हमारी बीस्ट पे, रॉयल एनफील्ड जो हमारी वाली है स्टैंडर्ड। गाइस ये देखो, आज भी मौसम डेली की तरह बढ़िया ही हो रहा है, एकदम चकाचक ये मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया। और हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है, हमारे यहाँ का रोड बन रहा है, देखो बस चालू है इसका काम, ऑन गोइंग, कुछ दिन में पूरा बन जाएगा। और बाहर निकलने के लिए मौसम बहुत बढ़िया है। तो गाइस ये रही अपनी बीस्ट, हमेशा की तरह इसको स्टार्ट कर दिया है, अब थोड़ा सा इंजन इसका हीट हो जाता है तो फिर निकलते हैं, वरना रास्ते में बहुत दिक्कत होती है, बार बार बंद हो जाती है। गंदी बहुत हो जाती है यार हमारे यहाँ, थोड़ा सा बारिश वारिश की वजह से बहुत आती है ये प्रॉब्लम। तो बस अभी जस्ट अपना रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाइक गंदी भी नहीं होगी और अच्छी भी लगेगी, रोड भी प्रॉपर बन जाएगा, तो उसके बाद कम से कम हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो गाइस जब मैं निकल रहा हूँ तो फिर आगे मैं मिलता हूँ भाई से और दिखाता हूँ आपको बाइक और क्या है बाइक की प्रॉब्लम। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ अपने फ्रेंड के घर, और सॉरी भाई यार वेट करा दिया तेरे को, बहुत लेट हो गया आज। कोई बात नहीं, चलता है, चलो ठीक है। अच्छा क्या दिक्कत हो गई इसमें? ये देखो गाइस ये है अपनी बाइक, पावर सप्लाई। तो फिर इधर किसी लोकल मैकेनिक को नहीं दिखाया? कंपनी लेके जाना पड़ेगा इसको, कंपनी। चलो गाइस तो फिर अब जब यहाँ पे हमने लोकल मैकेनिक को चेक करा लिया, उन्होंने कहा है कि भैया यहाँ हो नहीं पाएगा, आपको कंपनी जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे नियर बाई ओखला में है कंपनी दिल्ली में, तो हम वहीं लेके जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और देखो हमारा मेरा फ्रेंड बोल रहा है बजाज कंपनी गाड़ी कर लेना। अरे ऐसा नहीं होता भाई, देखो प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी ऐसा नहीं है बजाज की गाड़ी मत लो, चलो चेक कराते हैं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसकी बात को सीरियसली मत लेना, वो मजाक कर रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर और अब देखते हैं आगे क्या होना है, दिखाते हैं। यहाँ पे बाइक अपनी ये खड़ी है, बाइक क्या है जिंदा लाश है अभी, तो देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। गाइस सर्विस सेंटर के एग्जीक्यूटिव से हमारी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप गाड़ी वर्कशॉप में ले जाके चेक करा लो, देख के पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। तो बस अभी अंदर फिलहाल जा रहे हैं, हमारी बाइक पहुँच गई है, देखते हैं जाके उनसे बात करते हैं कैसे होता है, पता चलेगा। तो गाइस फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि अब अपनी बाइक जाएगी वर्कशॉप और देखते हैं कितना टाइम इसमें लगने वाला है, वो पता चलेगा। वो नंबर देख लियो, चोरी ना करने। A few moments later. अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे सर्विस सेंटर पे, पहले सर्विस सेंटर से हमें कुछ नहीं मिला सिवाय निराशा के। उन्होंने कहा आप दूसरे सर्विस सेंटर चले जाओ क्योंकि हमारे पास जो है अभी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पार्ट्स नहीं है। तो उन्होंने हमें दूसरा सर्विस सेंटर रिकमेंड किया था, वहाँ पहुँच गए हैं, अब गाड़ी हमारी चेक कर रहे हैं, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये लगे हुए हैं, देखो क्या होता है। वैसे ये तो फाइनल हो गया है कि हमारी गाड़ी को हमें एक से दो दिन के लिए बाइक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें टाइम लगता है, तो गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी। वो पार्ट आएगा मेन कंपनी से, उसके बाद फिक्स करी जाएगी वो प्रॉब्लम, तो उसमें लगभग एक से दो दिन का टाइम लगेगा।
तो अभी हम दूसरी बाइक लेके आए हैं, फिलहाल हमारी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज बाइक हमने सर्विस के लिए दे दी है और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, सुबह से भूखे हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या खाएगा अभी? नान खाएंगे, नान आज नान खाएंगे। यहाँ पे हमने सुना एक फेमस नान वाला है, तो चलते हैं उसके पास, देखते हैं किस टाइप की नान कैसे बनाता है, आज चेक भी कर लेते हैं। कालू मच्छी वाला नहीं है वो नान? ये है जी अपना रतन चूर चूर नान। पहुंच गए हम रतन पे, देखो भाई साहब बहुत फेमस है यहाँ पे ये। भाई जी आ गए हमारे नान और बस अभी इनको हम पेल रहे हैं, तो खाने के बाद बताते हैं टेस्ट कैसा लगा। तो भाई मजे आ गए नान खा के, रियली बहुत सही थी, बहुत टेस्टी थी। और अगर आपका कभी इधर आना हो ओखला फेस वन, तो उसका नाम है रतन चूर चूर नान, बिल्कुल विजिट करिएगा। तो गाइज एक गुड न्यूज़ है कि हमारी गाड़ी आज ही सही हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी क्या, हो चुकी है ये, ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस इसका बैटरी जो है थोड़ी सी वो चार्ज कर रहे हैं। बैटरी जैसी चार्ज होती है ये एकदम ओके फिट एंड फाइन हो जाएगी, फिर हम इसको लेके चले जाएंगे। तो गाइज फाइनली हमारी बाइक ठीक हो गई है, ये दो उसकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। ये देखो स्टार्ट है बाइक अपनी, अब बस हम लेके जा रहे हैं घर और आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।